बात ये है कि हमने बहुत ही नामसाद हालात में ये सारा कुछ किया। मैं चाहूँगी कि मैं इसकी थोड़ी सी मुख्तसर सी एक आप लोगों को इसकी एक हिस्ट्री बता दूँ। ये पूरे 1.5 साल हमने किस तरह गुजारे और हमने क्या कारकर्दगी हमारी रही वो मैं पेश करना चाहूँगा। हमने कुछ 33 प्रोग्राम्स किए और इन 33 प्रोग्राम्स में अगर देखा जाए तो 1.5 साल के हिसाब से बनता है 36 प्रोग्राम होने चाहिए। लेकिन हमने साहिर लुधियानवी के से रोज़ा जश्न जो उनकी यौम विलादत पे हमने किया वो लगातार हमने मुसलसल 3 दिन किया। और इस तरह से अगर देखा जाए तो उसको दो और अगर हम साहिर लुधियानवी के 2 दिन और हम उसमें ऐड कर ले तो ये 35 बन जाते हैं टोटल। और वैसे भी हम देखते हैं कि जैसे रमज़ान ईद बकरी की जो तातीलात होती हैं वो उसमें भी हम देखते हैं कि छुट्टियाँ होती हैं और इस तरह से हमेशा ये 1-2 प्रोग्राम जो है वो कम ही होता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमने हर 15 दिन के बाद यानी 4 फोर्टनाइट हमने एक प्रोग्राम यानी एक इजलास हमारा हुआ। और इस तरह से हमने बहुत सारे मौजूदात को कवर किया। हमने अदब को किया, तारीख को किया, साइंस को किया, सहाफत को किया और हमने दीगर माशरती मसाइल पे किया जैसे कि ट्रांसजेंडर है। और हमने नफ्सियाती मसाइल पे किया कि खुदकुशी जो है उसकी क्या वजूहत है खुदकुशी करने के और इसके इस रुझान को हम कैसे इसके रुझान को रोका जा सकता है। हमने रक्स पे प्रोग्राम करवाया, हमने ट्रांसजेंडर पे करवाया, गरज के हमने बहुत सारे इश्यूज़ को उठाया। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर ये जो प्रोग्राम 33 प्रोग्राम हमने किए तो इसमें से जो शुरू के 3 प्रोग्राम थे वो तो हमने एकेडमी ऑफ लेटर्स में ही किए। उसके बाद पेंडेमिक शुरू हो गया तो फिर हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था ये सारा कुछ के हम क्या करें। फिर हमने भी ऑनलाइन शुरू कर दिए प्रोग्राम और हमने टोटल 22 प्रोग्राम ऑनलाइन किए। 6 प्रोग्राम जब थोड़ी सी पेंडेमिक का थोड़ा सा जोर कम हुआ तो हमने 6 प्रोग्राम जो है रोज एंडेसमेंट गार्डन में किए। हमने नूरजहाँ मैडम नूरजहाँ का एक प्रोग्राम किया जो हमने PNCA में किया एजाज गुल साहब के साथ। फिर हमने मरहूम आई ए रहमान साहब के ये ताज़ियती प्रोग्राम किया जो हमने प्रेस क्लब में किया। और इसी तरह से हमने 2 ताज़ियती प्रोग्राम किए जिसमें से एक मोहतरम अशफाक सलीम मिर्ज़ा साहब के लिए किया। और इसके अलावा अगर हम तारीख की बात करें तो तारीख के इसमें देखते हैं कि हमने डॉक्टर मुबारक अली साहब के साथ गुफ्तगु थी कि पाकिस्तान की तारीख कैसे लिखी गई। फिर डॉक्टर तैमूर रहमान साहब के साथ हमने किया प्रोग्राम जो उन्होंने लिखा कि मौजूद उसका मौजूद था कि बांग्लादेश की तारीख कैसे बनी, बांग्लादेश की कहानी उन्होंने अपने गुफ्तगु में बयान की। और फिर इसके अलावा डॉक्टर रियाज शेख ने के साथ गुफ्तगु थी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन का जो किरदार उसकी तारीख और उसका किरदार 1952 से 54 तक। फिर तारीख पे मोहतरम अजीज़ खान साहब ने भी तरक्की पसंद तहरीक की तारीख के हवाले से एक गुफ्तगू हुई उनके साथ। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि तारीख के बाद अगर हम साइंस पर आ जाएं तो साइंस पे भी हमने 2 प्रोग्राम करवाए। एक तो मोहतरम फ़कीर साईं साहब के साथ हमने गुफ्तगू जो की वो मौजूद उसका था के तेल और गैस की तलाश और इससे मुंसलिक गलत फहमियाँ। दूसरा प्रोग्राम हमने किया था सद्दाम हुसैन मोहतरम सद्दाम हुसैन के साथ जिसका मौजू था कि जंगली हयात और इंसानी ज़िंदगी एक बाहमी ताल्लुक। ये हमने साइंस पे किया। वबा पे हमने 2 प्रोग्राम किए जिसमें एक तो डॉक्टर परवेज़ भाई साहब के साथ हुआ और उसका मौजूद था वबा और हमारी तरजीहात। दूसरा प्रोग्राम हमने किया मोहतरम हारिस खलील साहब के साथ यानी दूसरा उनके साथ था वबा के मौजू पे के वबा के बाद की दुनिया उसका मौजूद था। उसके बाद हमने सहाफत पे मतीउल्लाह जान साहब को बुलाया जिन्होंने पाकिस्तान में सहाफत पर कद गने इस मौजू पर उन्होंने गुफ्तगू की। उसके बाद मोहतरम अदनान रहमत के साथ भी हमने प्रोग्राम किया कि उसका मौजूद था मीडिया पर से गायब होते हुए अवामी मफाद के
बयान, ये दो प्रोग्राम हमने सहाफत पर किया। निसाब के ऊपर हमने प्रोग्राम किया जिसमें डॉक्टर परवेज खुद भाई और डॉक्टर एच ए नैयर ने के साथ गुफ्तगू थी, जिसमें हम जो मौजूद था वो था यकसा कौमी निसाब और पाकिस्तानी तरजीहात। ये निसाब पर हमने किया। फिर ट्रांसजेंडर पर हमने प्रोग्राम किया जिसमें मुहतरमा बबली साहिबा के साथ गुफ्तगू थी, उन्होंने जो ट्रांसजेंडर पाकिस्तानी माशरे में जो ट्रांसजेंडर के मसाइल हैं और उनका हल, कादर सलाम के साथ जो भी मसाइल हैं पाकिस्तानी माशरे में, उस पर उन्होंने गुफ्तगू की। फिर ख़वातीन के ऊपर हमने प्रोग्राम किया जिसमें मुहतरमा ताहिरा अब्दुल्ला ने जिस मौजू पर बात की वो थी फेमिनिज़म तहरीक या नज़रिया। उसके बाद हमें इसी ख़वातीन के हवाले से मुहतरमा मलिहा हुसैन के साथ प्रोग्राम किया जिसमें था जिसमें मौजूद था इज़्ज़तदार और महफूज माशरे का क़याम और रुकावट, जिस पर भी हमने प्रोग्राम किया। फिर नफ्सियाती मसाइल पे हमने प्रोग्राम किया। नफ्सियाती मसाइल के लिए हमने कराची से डॉक्टर इक्तदार तौफीक जो कि मान में नफ्सियात हैं उनको हमने मदद किया और उन्होंने खुदकुशी के का जो बढ़ता हुआ रुझान है और उसका तदार उस पर बात की उन्होंने। इसी तरह से रक्स पर हमने दो प्रोग्राम किए जिसमें मोहतरमा आमना नवाज को हमने बुलाया, मौजूद था पाकिस्तानी माशरे में रक्स को दरपेश मसाइल। दूसरा प्रोग्राम हमने क्या नाम है असफलिया उनको बुलाया कि और उन्होंने जो मौजूद उनका था रक्स में है सारा जहाँ, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम हमने किए। उसके अलावा हमने जो शुरुआत की थी ऑनलाइन प्रोग्राम की, तो उसमें हमने इंटरनेशनल मुशायरा करवाया था जिसमें तकरीबन काफ़ी ममालिक से जैसे डेनमार्क, जैसे स्वीडन है, दुबई है, कैनेडा है, जर्मनी है और यूके है, यहाँ से शुरा हजरात ने शिरकत की और पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ शहरों से जैसे हैदराबाद है, कराची है, मुल्तान है, इन शहरों से भी शिवरा ने शिरकत की जो कि बहुत कामयाब गया हमारे लिए। शायद तकरीबन आई थिंक 34 या 35 शिवरा थे जिसमें शायरात और चाय सब थी शामिल, बहुत कामयाब गया। फिर इसकी लोगों ने बहुत पजीराई की जिससे हमारी हिम्मत मजीद बढ़ी के हम और प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम बहुत वो किया जिसको कि उसको भी बहुत पजीराई मिली और लोगों ने बहुत सराहा और काफ़ी दिनों तक हमें उसकी फीडबैक भी मिलती रही, उसकी गूंज सुनाई देती रही। शाहिद लुधियानवी का प्रोग्राम हमने किया, इसको भी तकरीबन बाहर के कई ममालिक से हम अमेरिका से बल्कि आप लोग जानकर आपको जानी होगी कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद उन्होंने भी अपना रिकॉर्ड करके भेजा था इसमें शाहिद लुधियानवी के सहरोज़ा जश्न में और स्वीडन से, जर्मनी से और यूके से और दुबई से और पाकिस्तान के भी कई शहरों से, कराची से, हैदराबाद से और कई शहरों से इस तरह से लोगों ने शिरकत की उसमें। बहुत कामयाब प्रोग्राम दिया था वो, तो उसकी हमें बड़ी हमें बहुत लोगों ने उसको बहुत सराहा था। और इसके अलावा हमने ये सारे प्रोग्राम तो किए, लेकिन ये था कि ये प्रोग्राम्स करने के लिए हमें काफ़ी जिद्दोजहद करना पड़ी। ये नहीं कि ये प्रोग्राम बहुत आसानी से नहीं हो जाते थे, ख़ास तौर से ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए जो हमें रुकावटें थी रिकॉर्ड करना। और ये सारा जो अब ये सारे जो प्रोग्राम हम करते थे तकरीबन ये कहा जाए कि मैं खुद लोगों को इनवाइट करती थी और चॉइस भी मेरी होती थी, लेकिन कादिर गौरी साहब उनको मैं छाबा मतलब मैं दिल से उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि अगर ये ना होते तो ये सब कुछ नामुमकिन था। जितना कंप्यूटर का, आईटी का, ये जितना काम था ये गौरी साहब करते थे और सिर्फ ऐसे नहीं दिल से करते थे और इस तरह से इन्होंने किया कि एक जिम्मेदाराना तरीके से किया। और काफ़ी मैं इनको बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका किन अल्फाज में इनका शुक्रिया अदा करूँ, अगर गौरी साहब नहीं होते तो ये सब कुछ नामुमकिन था। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ये सारा कुछ तो हमने किया, शुक्र है खुदा का कि ये सारा कुछ बहस में खुद भी सब कुछ हो गया। लेकिन मैं ये फिर भी कहूँगी कि मैंने और गौरी साहब ने मेरा तो जो मेरा जो होता है सबको पता है ये सेरेमोनियल है, ठीक है,
तो लेकिन हमें फिर ये एहसास हुआ कि गौरी साहब और यानी कि जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, इनका अहदा तो के अलावा बाकी सारे अहदे जो थे वो सिलिंग हो गए थे। उसमें इतना ही कहूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छे पटे आज की हमारी एक साथ चली थी और आपका